हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डेल मिनी डेस्कटॉप 7010, जिसके अंदर आपको असेंबलिंग भी सिखाऊंगा और विंडो इंस्टॉल कैसे करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, हमारा मशीन आ चुका है 7010 मशीन। ये देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटा है और इसे बहुत ही ध्यान से खोलना है और ध्यान से सारी चीज़ें इसमें फिट होगी। सो ये लीजिए, हम खोलने जा रहे हैं। इस मशीन के अंदर जो भी करें बहुत ध्यान से करें, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये। तो उसके लिए हमें ये लॉक उठाना है ऊपर की तरफ और इसको ऊपर की तरफ खींच देना है। आगे के बेजल के तीनों लॉक आपको पहले हटाने पड़ेंगे, तब जाके ये ऊपर से निकलेगा ये। तो इसलिए बहुत ही प्यार से इसे पुश करके हमने ये निकाल दिया है और ये लॉक को पकड़ के हमने इसको ऊपर से उठा दिया है। अब ये आ गया हमारा। अब इसको इसके चारों प्रोसेसर के लॉक को हीट सिंक के ऊपर लगे होते हैं ये चारों पेज। इस चारों पेज को हमें खोलना होगा। ये चारों पेज खोल के और उसके बाद आपका प्रोसेसर का जो स्लॉट होता है वो आपको नज़र आएगा, फिर मैं बताऊँगा कैसे लगता है। एक चीज़ इस मशीन के अंदर काफ़ी जो कॉम्पैक्ट है वो है इसकी पावर सप्लाई। तो इसकी पावर सप्लाई का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट मशीन को बंद ना करें, क्योंकि डायरेक्ट मशीन को बंद करने से इसकी सप्लाई उड़ सकती है और इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है और ये अनरिपेयरेबल होती है। सो इसके सप्लाई को डायरेक्ट बंद नहीं करना है। ये खुल चुका है हमारा सॉकेट, चारों स्लॉट हमने खोल दिए हैं और खोलने के बाद हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि सीपीयू सॉकेट आखिर कैसा होता है। और ये प्रॉपर तरीके से खोल के और बहुत ही इजीली आप ये निकाल सकते हैं। बाकी इस मशीन के अंदर सबसे बेस्ट खासियत ये है कि ये S61 का मदरबोर्ड लगा हुआ है, जिस पे i3, i5, i7 तीनों सपोर्टेबल है और वो भी थर्ड जनरेशन दोनों सपोर्टेबल है। ये निकल चुका है हमारा हीट सिंक, निकल चुका है और ये है हमारा प्रोसेसर का सॉकेट, जो कि आप देख सकते हैं। इस पर बहुत ही केयर से प्रोसेसर लगाना है। इस पर हम लगाने जा रहे हैं i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर। ये आ चुका है हमारा i3 सेकंड जेन प्रोसेसर, जो कि इसमें हम लगाएंगे। लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। दो कट दिए हुए इसके अंदर, दोनों कट को बहुत ही ईजिली जैक के अंदर, सॉकेट के अंदर आप इसको नीचे रख दें, आराम से प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। ये हो चुका है हमारा फिक्स, देखिए। और उसके बाद इसके लॉक को हम बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा लॉक बंद, चेक कर लेंगे। अब इसमें हमें लगाना है S61 का मदरबोर्ड है, तो इसमें DDR3 की रैम लगेगी इसमें। और हमारी DDR3 की रैम, इसमें PC3 रैम भी कहते हैं, और DDR3 की रैम हमारी इसमें लगाने जा रहे हैं। ये आ गई हमारी DDR3 की रैम, इसमें हम 4GB रैम लगाने जा रहे हैं, 2+2 4GB के साथ इसको रेडी करना है हमें। तो इसमें 4GB की रैम हम लगाने जा रहे हैं। पहले 2GB हम इसमें लगा देते हैं सॉकेट के अंदर एग्जैक्ट लगा के, और पुश करना है और वो भी तेज़ी से पुश करना है। लॉक जो है उसके प्रॉपर सेट होने चाहिए। अगर ऊपर उठे रह गया तो वो डिस्प्ले नहीं देगा, फिर आपका मशीन डिस्प्ले नहीं देगा। ये हम डिस्प्ले चेक करने के लिए जा रहे हैं। इसका पावर केबल लगा दिया हमने, अब VGA केबल जो है जिससे डिस्प्ले हम देखेंगे। और ये हमारा कीबोर्ड माउस का वो USB स्लॉट है जो हमने लगा दिया है। अब इसे एक बार स्टार्ट करके हम इसे देखेंगे कि हमारी मशीन डिस्प्ले दे रही है कि नहीं दे रही है। और प्रोसेसर के ऊपर हमें हाथ रखना है, क्योंकि इसमें हीटिंग होती है। इससे हमें पता चलेगा कि प्रोसेसर हमारा हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है। अब हम लगाने जा रहे हैं इसको वापस हीट सिंक। लगाने से पहले एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इसके अंदर आप कूलिंग पेस्ट लगाना ना भूलें, जिससे प्रोसेसर आपका ठंडा रहता है। ये प्रोसेसर के ऊपर और बिल्कुल थोड़े क्वांटिटी में लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है, क्योंकि वो चारों तरफ फैल जाता है फिर। ये हम लगाने जा रहे हैं वापस से अपना हीट सिंक के चारों लॉक को हाथों पे रख के, और उसके बाद उसको पेच कसना है। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी
जैक जो है ढीला ना रहे, कोई भी बिट जो है ढीला ना रहे, क्योंकि अगर वो लूज रहता है तो उस केस में हीटिंग की दिक्कत आ सकती है और आपका जो मशीन है वो मशीन बंद हो सकता है। अगर मशीन अगर चलते चलते बीच में अगर ट्रिप होता है तो हीटिंग की वजह से मे बी हो सकता है वो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे तो हम लोगों ने पेस्ट इसमें लगा दिया है तो उसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इसको प्रॉपर टाइट करना है, इसको चारों को प्रॉपर चेक करना है कि फुल्ली टाइट है कि नहीं टाइट है। बाकी जब हमारे पेच ये कस जाएं चारों प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो पंखे का कनेक्टर जो है वो मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो, तभी आपका फ़ैन मूव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। काफ़ी लोग ये चीज़ भूल जाते हैं हीट सिंक, ये आपके चारों बीट कसने के बाद, तो इसके लिए आपको पंखे का जो कनेक्टर है वो इसमें लगाना है, और वो भी मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है। बिल्कुल बगल में इसका स्लॉट दिया हुआ है, उस स्लॉट में ये देखिए हमने लगा दिया है, ये हमारा लग चुका है पंखे का कनेक्टर। हर चीज़ छोटा छोटा है इस मशीन में, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ बना हुआ है। हमने ये लगाया दोबारा से, और लगा के दोबारा से अब इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे कि दोनों 4GB रैम से हमारा डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। और एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है इस मशीन के अंदर कि इसमें डिफ़ॉल्ट फीचर होता है कि ये मशीन 3 से 4 बार अपने आप ऑटोमेटिक बंद होगी और चालू होगी, तो इस केस में आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। ये 2 से 3 बार मशीन ऑटोमेटिक अपने आप बंद होगी, स्टार्ट होगी, उसके बाद आपका डिस्प्ले आएगा। ये देखिए हमारा डिस्प्ले अब आ चुका है 2 से 3 बार बंद होने के बाद। इसमें हम अपना सीमोज वगैरह जो है वो सेट कर देंगे, और वापस हम इसके अंदर देखिए SSD हमने लगाना था, हमने इसमें SSD लगा दिया है, और उसके बाद SSD के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे, और ये इसे हम पैक करने जा रहे हैं। और ये इसके साटा केबल है, SSD के पीछे 2 स्लॉट दिए हुए हैं, एक साटा केबल दिया हुआ है और एक साटा पावर कनेक्टर दिया हुआ है जो कि हमें इसमें लगाना है। बहुत ध्यान से लगाना है इसे साटा पावर। बाकी ऊपर की तरफ इसमें ड्यूडी राइटर भी दिया हुआ है, राइटर भी चला सकते हो आप। इस मशीन को मैं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखूँ तो ये SSD के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। बाकी अगर इंटरनल हार्ड डिस्क, इसमें लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क लगती है, छोटी हार्ड डिस्क लगती है, डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क इसके अंदर फिट नहीं आएगी। बाकी इसके अंदर सबसे बेस्ट है SSD लगाना, SSD लगा के इस मशीन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ये हमने साटा जो इसके DVD राइटर है, DVD राइटर का भी कनेक्शन कर दिया है हमने, और दोनों लॉक को लगा के इसको फिक्स कर देंगे, इसको पैक कर देंगे, और इसको प्रॉपर तरीके से दबा के, और उसके बाद इसके आगे का बेजल को हमारे को लगाना है। ये बेजल बहुत आसानी से लॉक बेस्ड है, इसमें कोई पेच नहीं लगता, कोई बिट नहीं लगता है, कोई बिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आगे से 3 इसमें नॉक दे रखे हैं, और तीनों नॉक के अंदर से ये देखिए ये खांचे बने हुए हैं 3, इन तीनों को एक उसमें फंसाना है और सिंपली प्रेस करना है आराम से, इजली ये आपका हो गया लॉक। ये मशीन हमारा हो चुका है असेंबल, ये मशीन हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। बाकी वैसे इसमें रह गया विंडोज़ का है, तो विंडोज़ जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा इस मशीन के थ्रू विंडोज़ कैसे सेटअप लगाना है, कैसे क्या करना है, हमें इसमें विंडोज़ 10 डालनी है। ये हो चुका है हमारा मशीन रेडी।